नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में 24 फरवरी को खेला जाना है, लेकिन इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों ने अपनी अपनी टीमें घोषित कर दी है, यानी कि दोनों टीमों ने स्क्वाड में कुछ बदलाव किए हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं डे नाइट टेस्ट मुकाबले से पहले सौरव गांगुली ने एक बड़ा बयान दिया है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि आखिरकार सौरव गांगुली ने इस टूर्नामेंट को लेकर या फिर यूँ कहें तो डे नाइट टेस्ट को लेकर एक बड़ा बयान दिया, उसमें क्या कहा इसके बारे में हम आपको बताएंगे। यानी कि दोस्तों, तीसरे टेस्ट से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, जैसे कि दोनों टीमों की स्क्वाड और साथ ही साथ इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि कौन कौन से खिलाड़ियों की वापसी होने वाली है। तो दोस्तों, यह सब जानने के लिए देखते रहें इस वीडियो को पूरा अंत तक, और साथ ही आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पर भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक सीरीज के दो मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें दोनों टीमों ने एक एक मुकाबला जीता है। भारत ने 317 रन से मुकाबला जीतकर वापसी की है दूसरे टेस्ट मुकाबले में, तो वहीं पर पहले टेस्ट मुकाबले में शानदार जीत के साथ सीरीज में आगे हुई थी इंग्लैंड, लेकिन अब दोनों टीमें बराबरी पर खड़ी है और आखिरी दो मुकाबले दोनों टीमों को खेलना है अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में, जो कि क्रिकेट का सबसे बड़ा ग्राउंड है। वहीं पर आपको बता दें कि इस मुकाबले में दोनों टीमों के लिए ये सीरीज़ तो दांव पर लगी हुई है, साथ ही साथ आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने का भी दोनों टीमों के पास मौका रहेगा। इंग्लैंड को यहाँ पर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुँचने के लिए अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीतने हैं, जबकि टीम इंडिया को एक मुकाबला जीतना है और एक मुकाबला ड्रॉ करवाना है। यानी कि अगर टीम इंडिया दोनों मुकाबले ना भी जीत पाती है, एक मुकाबला ड्रॉ रहता और एक मुकाबला टीम इंडिया जीत जाती है, तो भी यहाँ पर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुँच जाएगी। लेकिन अगर ये दोनों टीमें सीरीज़ में एक एक या फिर दो दो की बराबरी पर रहती है तो दोनों टीमें आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी और ऑस्ट्रेलिया अपनी जगह पक्की कर लेगी। लेकिन यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि इन दोनों मुकाबलों में टीम इंडिया शानदार परफॉर्मेंस करे और यहाँ पर 3-1 से सीरीज को जीत कर फाइनल में अपनी जगह पक्की करे, जहाँ भारतीय टीम को फाइनल में भिड़ना होगा न्यूजीलैंड से, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम अपनी जगह पक्की कर चुकी है। लेकिन इसके लिए टीम इंडिया को यहाँ पर मुकाबले जीतना जरूरी होगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आखिरकार टीम इंडिया को टक्कर देने के लिए इंग्लैंड की टीम ने इस तीसरे और चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए अपनी टीम में जो बदलाव किए हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि इस सीरीज़ के आखिरी दो मुकाबलों के लिए यहाँ पर मोइन अली को टीम में जगह नहीं मिली है, या तो उन्हें आराम दिया गया या फिर उन्हें वनडे या T20 के लिए तैयार किया जा रहा है। वहीं पर हम बात आपको बता देते हैं इंग्लैंड की पूरी स्क्वाड। तो इंग्लैंड की तरफ से 4 बल्लेबाज खेलने वाले हैं, जिसमें आते हैं जो रूट कप्तान, जैक कॉर्बली, डेनियल लॉरेंस और डोमिनिक सिबली। इसके बाद ऑलराउंडर की बात करें तो यहाँ पर मौजूद है बेन स्टॉक्स और क्रिस वॉक्स। इसके अलावा टीम में 4 विकेट कीपर मौजूद है, जिनमें आते हैं जॉनी बेरिस्टो, रोरी बर्न्स, बेन फोकस और ओली पॉप। इसके अलावा बॉलिंग की यानी गेंदबाजों की बात करें तो जेम्स एंडरसन मौजूद है, चोपड़ा आर्चर मौजूद है, डोमिनिक बेस, स्टुअर्ट ब्रॉड, जैक लीच, ओली स्टोन और मार्क वुड। यानी कि टीम में सिर्फ एक बदलाव हमें देखने को मिल रहा है, वो है यहाँ पर मोइन अली का बाहर जाना और साथ ही साथ जॉनी बेरिस्टो की यहाँ पर वापसी हो रही है इस टीम में। यानी कि इंग्लैंड की टीम कहीं ना कहीं और मजबूत हो सकती है यहाँ पर बल्लेबाजी में जॉनी बेरिस्टो के आने से। इसके अलावा टीम के पास कई शानदार खिलाड़ी मौजूद है जो कमाल कर सकते हैं इस मुकाबले में, खास करके चोपड़ा आर्चर और जेम्स एंडरसन, जो कि पिंक बॉल टेस्ट में यहाँ पर घातक साबित हो सकते हैं टीम इंडिया के बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर डे नाइट टेस्ट में ये कमाल कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, हम टीम इंडिया की प्लेइंग 11 और स्क्वाड के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने डे नाइट टेस्ट के ऊपर एक बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि मोटेरा टेस्ट के सभी टिकट बिक गए हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली बोले, दर्शकों की वापसी से खुश हूँ, भारत में होने वाली हर सीरीज में एक डे नाइट मैच होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि अब से भारत में होने वाली सभी टेस्ट सीरीज में एक मैच डे नाइट होगा। अहमदाबाद के मोटेरा में 24 फरवरी को भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट खेला जाएगा, जो कि एक डे नाइट टेस्ट होगा। गांगुली ने कहा कि पिंक बॉल टेस्ट के लिए सभी टिकट बिक चुकी है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट में दर्शकों की वापसी से वो काफ़ी खुश है। वहीं पर दोस्तों, अहमदाबाद में 6 साल बाद कोई मैच हो रहा है। मोटेरा में पिछला मैच 2014 में भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। 1,10,000 की क्षमता वाले इस स्टेडियम में 50,000 से ज़्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। गांगुली ने कहा कि मैच बीसीसीआई सचिव जय शाह से बात की, वे भी तीसरे टेस्ट को लेकर उत्साहित हैं। हमने 2019 में कोलकाता में हुए पहले डे नाइट टेस्ट के एक
शानदार रिकॉर्ड सेट किया था। हम उस टेस्ट के सक्सेस को मोटेरा में भी दोहराना चाहेंगे, यानी कि एक बड़ा बयान है अब सौरव गांगुली का कि हर टेस्ट सीरीज में एक मुकाबला हमें यहाँ पर डे नाइट देखने को मिलेगा भारत में जब भी टेस्ट सीरीज होगी तब। वहीं पर चले दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आखिरकार टीम इंडिया क्या बदलाव करने वाली है अपने स्क्वाड में। तो टीम इंडिया ज़्यादा कुछ बदलाव तो यहाँ पर दिख नहीं रहे, लेकिन यहाँ पर हम बात करें बल्लेबाजों की तो टीम इंडिया की तरफ से विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, शुभमन गिल और मयंक अग्रवाल, ये छः बल्लेबाज टीम इंडिया का हिस्सा रहने वाले हैं। इसके अलावा ऑलराउंडर में टीम इंडिया के पास चार ऑलराउंडर मौजूद रहेंगे, जिसमें हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल शामिल है। इसके अलावा विकेट कीपर के तौर पर तीन बल्लेबाज टीम इंडिया के पास रहेंगे, जिसमें ऋषभ पंत, रिद्धिमान शाह और केएल राहुल रहने वाले हैं। इसके अलावा गेंदबाजी की बात करें तो यहाँ पर टीम इंडिया के लिए सात ऑप्शन मौजूद रहेंगे, जिसमें कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर। इसके अलावा दो और नए गेंदबाज जो टीम इंडिया के साथ जुड़ेंगे वो है मोहम्मद शमी और नवदीप सैनी। यानी कि इस टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय टीम में नवदीप सैनी और मोहम्मद शमी वापसी करने वाले हैं। दोनों खिलाड़ी पूरी तरह से फिट हैं और टीम इंडिया के लिए यहाँ पर मोहम्मद शमी की वापसी कहीं ना कहीं काफ़ी घातक साबित हो सकती है इंग्लैंड की टीम के लिए। वहीं पर टीम इंडिया पिंक बॉल टेस्ट में अपनी नई स्ट्रेटजी के साथ यहां पर मैदान पर उतरना चाहेगी। टीम इंडिया ने हाल ही में यहां पर ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पिंक बॉल टेस्ट खेला था, यानी कि डे नाइट टेस्ट मुकाबला खेला था, जिसमें टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए जीत हासिल की थी। इस मुकाबले में कप्तानी कर रहे थे अजिंक्य रहाणे, जिन्होंने शानदार शतक लगाया था। इसके अलावा गेंद से यहां पर मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी की थी, साथ ही साथ रविचंद्रन अश्विन ने भी अहम रोल निभाया था। यानी कि टीम इंडिया प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव कर सकती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार टीम इंडिया की प्लेइंग 11 किस प्रकार की होगी इस टेस्ट में। तो डे नाइट टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने वाले हैं हिटमैन रोहित शर्मा, जिन्होंने चेन्नई टेस्ट में यानी कि दूसरे टेस्ट मुकाबले में शानदार शतक लगाया था। तो उनके साथ होंगे शुभमन गिल, हालांकि इन्हें थोड़ी चोट लगी है, अगर ये पूरी तरह से फिट हुए तो ये खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं पर नंबर तीन पर खेलते हुए दिखेंगे हमें चेतेश्वर पुजारा, इनसे बढ़िया प्रदर्शन की उम्मीद होगी। तो वहीं पर नंबर चार पर भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली दिखेंगे, उम्मीद करते हैं कि इस बार पहली पारी में ये अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो वहीं पर इसके बाद नंबर पाँच पर उप कप्तान अजिंक्य रहाणे उतरने वाले हैं, जिन्होंने चेन्नई टेस्ट के यानी कि दूसरे टेस्ट मुकाबले में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी। तो उम्मीद है ये फिर से अपने बल्ले का रंग दिखाएंगे। इसके बाद नंबर छः पर उतरने वाले हैं ऋषभ पंत, जिनका बल्ले और साथ ही साथ विकेट कीपिंग में भी अब तो ये कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि टीम के लिए बड़ी खुशखबरी है इनकी फॉर्म। तो वहीं पर इसके बाद नंबर सात पर उतरने वाले हैं रविचंद्रन अश्विन, जो गेंद और बल्ले दोनों से यहाँ पर कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद नंबर आठ पर उतरेंगे अक्षर पटेल। अक्षर पटेल की बात करें यहाँ पर तो उनका शानदार डेब्यू रहा और अब वो अपने होम ग्राउंड में जाने वाले हैं, यानी कि मोटेरा स्टेडियम में वो कमाल कर सकते हैं और यहाँ पर टीम को और सफलताएं और बल्ले से भी कमाल करके दिखा सकते हैं। वहीं पर दोस्तों नंबर नौ पर अगर तीन स्पिन गेंदबाजों के साथ उतरेंगे तो यहाँ पर कुलदीप यादव हमें खेलते हुए नजर आएंगे, और अगर तीन तेज गेंदबाजों के साथ टीम इंडिया उतरती है तो हमें खेलते हुए नजर आएंगे यहाँ पर मोहम्मद सिराज या फिर ईशांत शर्मा। इसके अलावा नंबर दस पर मोहम्मद शमी की वापसी होगी और नंबर ग्यारह पर जसप्रीत बुमराह। तो दोस्तों आपके हिसाब से टीम इंडिया में क्या बदलाव होने चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।